हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही मस्त टॉपिक लेकर के आ चुका हूँ आप लोगों के सामने। गाइज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, गाइज ये तीनों ही प्लेटफॉर्म का क्रेज अभी बहुत ही ज्यादा मार्केट में चल रहा है। गाइज, इन तीनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है और किस कंडीशन में किस एप्लीकेशन को यूज करें जो कि बेटर होगा? क्योंकि गाइज, आज के टाइम पर लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 घंटा टाइम मिलता है, ऐसे भी लोग हैं जिनको 5 घंटा टाइम मिलता है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको पूरा दिन भर टाइम मिलता है, कुछ भी काम नहीं है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन लोगों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता है काम करने के लिए और पैसे कमाने के लिए, और क्या इसमें आप लोग कर भी पाओगे या फिर नहीं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग सा जोक, मतलब भाई एक कहानी बताना चाहता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा काम करने में मोटिवेशन मिले, ठीक है? तो गाइज, आप लोग एक चीज जानते हो, अल्फाबेट का सबसे पहला लेटर कौन सा होता है? ए होता है ना। लेकिन गाइस, 1 से लेकर के 999 तक ए का कहीं पर भी उच्चारण नहीं है, जैसे ONE, TWO2। आप लोग देखो, 1 से लेकर के 999 तक कहीं भी उच्चारण नहीं है, जबकि गाइस अल्फाबेट का पहला लेटर होने के बावजूद भी। तो गाइस, कब आता है ए किस वर्ड में? गाइस, 1000 में, THOUSAND, 1000 में आता है ए का। तो मतलब ए अल्फाबेट का पहला लेटर होने के बाद भी उसको उतना इंतजार करना पड़ रहा है ए आने के लिए। तो गाइज, आप लोग तो इंसान हो, आप लोग को भी कुछ बनने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बाकी टाइम आपका भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं, हम लोग बात करते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, फर्स्ट में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये जो तीनों ही अभी प्लेटफॉर्म है ना, तीनों ही प्लेटफॉर्म जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, गाइज तीनों का क्रेज बहुत ज्यादा है और तीनों ही अच्छा खासा पैसा देने में अभी गाइज जुटा पा रही है, मतलब लोगों को जो पैसा दे रही है ना। तो इस तीनों प्लेटफॉर्म में से अगर आप लोग किसी के भी मतलब बादशाह हो तो भाई आप लोग पैसा कमा लोगे। लेकिन गाइज, एक शर्त है कि तीनों एक जैसा नहीं दे पा रही है, कोई कम तो कोई ज्यादा। उसी प्रकार से आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को कैसा क्या करना है, और अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो आप लोग को कौन सा प्लेटफॉर्म में काम करने से बेटर होगा। अगर आप लोग एक फ्री एकदम मतलब भाई कुछ भी काम नहीं रहता, आप लोग एकदम भाई घर में बैठ के रहते हो, तो फिर आप लोग कौन सा आप लोग को चूज करना चाहिए वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो गाइज, फर्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं किस प्लेटफॉर्म का, फेसबुक का, जो कि गाइज आज से बहुत दिन पहले ही आया था। लेकिन फेसबुक एक टाइम पर खाली चैटिंग के लिए ही मतलब माना जाता था, गर्लफ्रेंड से चैट करते थे लोग पहले, और ऐसे भी लोगों से करते थे भाई, ऐसा ही नहीं कि खाली गर्लफ्रेंड से ही चैट किया जाता था। लेकिन गाइज, आज के डेट पर फेसबुक भी पैसा देता है, ये आप लोग को भली भांति मालूम है। वैसे गाइज, इंस्टाग्राम भी एक प्रोफेशनल पहले चैट का ही जरिया हुआ करता था, हालांकि वो अर्निंग पहले भी देता था, लेकिन हमारे इधर के लोग अर्निंग करना नहीं जानते थे पहले इंस्टाग्राम से। लेकिन इंस्टाग्राम भी अभी देखा देखी में जैसे यूट्यूब को देख रहा है, फेसबुक को देख रहा, वैसे ही करके इंस्टाग्राम भी पैसे देने में भाई अब थोड़ा सा आगे आ रहा है। जैसे लाया बीच में मोनेटाइजेशन करने का रूल लाया, वैसे ही गाइस थर्ड नंबर पे आता है हमारा यूट्यूब। और गाइस, अगर बात करें यूट्यूब का, तो अभी आप लोग मेरा यूट्यूब में ही वीडियो देख रहे हो, तो इसको तो अच्छे से मालूम मतलब कर सकते हैं कि यूट्यूब पर बहुत ज्यादा क्रिएटर अभी दिलो जान से काम करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के जैसा मतलब पैसा भाई दे पाना नामुमकिन है। हालांकि इससे भी कोई अच्छे अच्छे वेबसाइट हो सकते हैं जो कि बहुत पैसा करोड़ों देता है, लेकिन यहाँ पर क्रिएटर ज्यादा है। अब उसका भी मैं रीजन बता सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर काम करना बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए गाइस क्रिएटर दूसरे जगह के खिलाफ यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर एक वीडियो क्रिएट करना और अपलोड करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। अब गाइस, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग एक अगर स्टूडेंट हो या फिर कुछ हो और आप लोग को करना है, तो गाइज अगर आप लोग बहुत कम टाइम देना चाहते हो, बहुत कम से कम जैसे 1-2 घंटे कुछ काम किए और हमको कुछ करना नहीं है, भले मेरा पैसा अभी बने या ना बने कोई मतलब नहीं, तो गाइज आपका सबसे बेस्ट इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब भी नहीं है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक 30 सेकंड का रील अपलोड करो एक और बस छोड़ दो, ठीक है? अगर आपका हो गया अच्छा खासा फॉलोवर्स तो आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाएगा और अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा लोगे इंस्टाग्राम से भी, ठीक है? इसका फुल डिटेल्स नहीं बात करेंगे कि कितना पैसा कमा लोगे, लेकिन हाँ इतना आप लोग जान लो कि एक अच्छा खासा आपका फॉलोवर्स होने के बाद पैसे कमा लोगे। सेकंड नंबर गाइस, फेसबुक और यूट्यूब की बात करें तो अभी दोनों ही एक जैसा टक्कर में चल रहा है, ठीक है? फेसबुक भी आपको पैसा दे रहा है, यूट्यूब भी आपको पैसा दे रहा है, लेकिन एक चीज यहां पर सबसे मेन मैटर करता है कि भाई तब हम करें कौन सा, क्योंकि पैसा तो दोनों ही दे रहा। हालांकि व्यूज के मैटर में फेसबुक थोड़ा कम पैसा देता है, फेसबुक 10,000-15,000 ऐसे व्यूज पर $1 देता है, जबकि यूट्यूब 4,000-5,000 व्यूज पर ही दे देता है। बाकी कैटेगरी भी मैटर करता है। लेकिन गाइज, अब अगर बात करें कि आप लोग को कौन सा लेना चाहिए, तो देखिए गाइज, एक यूट्यूबर को काम करने के लिए कम से कम यूट्यूब पर अगर आप बहुत कुछ काम करते हो, एक ऑफिस वर्कर हो, ठीक है, या फिर कोई स्टूडेंट हो या फिर आपका कुछ जॉब है, तो गाइज लेकिन फिर भी आपके पास अगर 3 घंटा फ्री टाइम निकलता है तो ही आप लोग यूट्यूब को
सिलेक्ट करना, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा नहीं है कि एक घंटा में वीडियो बनाए डाल दिए चल जाएगा वीडियो, भाई वो तो फिर किस्मत का खेल है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा कंटेंट करना है तो कम से कम 1 से 2 घंटा कंटेंट में देना पड़ेगा, वीडियो को क्रिएट करने में, अपलोड करने में। और दूसरा गाइस, 1 घंटा आपको SEO में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 3 घंटा अगर आप लोग टाइम देते हो तभी काम करेगा। लेकिन गाइस दोनों ही प्लेटफॉर्म का सेम चीज है, वीडियो को अपलोड करना, एडिट करना, शूट करना, सारा कुछ। अब गाइस यहाँ पर सिलेक्ट करने का अगर बात किया जाए कि आप लोग कौन सा सिलेक्ट करोगे, तो पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ। गाइस फेसबुक आप लोग भी यूज करते हो, फेसबुक आप लोग भी देखे हो, लेकिन एक ऐसा क्रिएटर का नाम बताओ जो बहुत ज्यादा फेसबुक से वायरल हुआ और जिनको हम लोग जानते हैं। गाइस शायद हो सके आप लोग का मन में कोई भी क्रिएटर ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा होगा अगर मैं फेसबुक का बात करूं तो। लेकिन मैं अगर आप लोग को बोलूं कि एक यूट्यूब का कोई क्रिएटर का नाम बताओ जो यूट्यूब से अपना जिंदगी बना दिया, तो गाइस आप लोग के मन में बहुत से यूट्यूबर आ जाएंगे, लाइक दिस भाई कैरी मिनाटी, भुवन बाम, एलविस यादव, सौरभ जोशी, भाई बहुत क्रिएटर, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुतों को बना दिया। तो ऐसा ही अगर कंपेयर करें फेसबुक और यूट्यूब का, तो भले पैसा दे सकता है लेकिन नाम की अगर बात करें तो भाई यूट्यूब एक सबसे बढ़िया जरिया है अभी के टाइम पर, जो कि गाइज नाम बना कर देता है पैसे के साथ साथ। तो गाइज ये दोनों ही प्लेटफॉर्म में से आप लोग यूज कर सकते हो, फेसबुक या यूट्यूब में से। और इंस्टाग्राम को मैंने पहले ही रखा था साइड में, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मतलब हाँ पैसा तो कमा के देगा, बस उसको इंजॉयमेंट में लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि हाँ आप लोग उसी को करियर मान लोगे इंस्टाग्राम को और वो आपका करियर बन जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है गाइस। इंस्टाग्राम बहुत बड़ा करियर मतलब है, अभी बहुत से ऐसे क्रिएटर है जो कि 100% में से 10% ऐसे क्रिएटर है जो इंस्टाग्राम से खा लेते हैं और उनका भी घर चल जाता है। लेकिन यूट्यूब में से 100 में से 50% बंदों का घर चलता है यूट्यूब के जरिए से, भले $100 ही आए महीने में लेकिन घर चलता है। वैसे फेसबुक भी बहुत ज्यादा पैसा देता है। तो गाइज मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप लोग को समझ में आया होगा कि आपको किस चीज में जाना चाहिए। अगर पैसा के साथ साथ नाम भी कमाना है तो यूट्यूब में आप लोग जा सकते हो, अगर टाइम देना चाहोगे तो। अगर खाली आप लोग को पैसा से मतलब है, नाम और पहचान से कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई फेसबुक में जाओ, वीडियो अपलोड करो, कुछ भी अपलोड करो वहाँ चल ही जाता है, ऐसा सीन है। अगर आप लोग को चाहिए कि नाम भी चाहिए और थोड़ा बहुत पैसा से भी चलेगा और टाइम भी नहीं देना, तो भाई इंस्टाग्राम बेस्ट रहेगा। गाइज मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसा ही वीडियो को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।